हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग कैसे हो आप सब होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आज काफ़ी दिन बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं वैसे तो बहुत लोगों ने आप आप लोगों को एक सरप्राइज देती हूँ पहली बात जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी बता देती हूँ काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे जब मैं वीडियो बनाती थी कि आप किस चीज़ की मेडिसिन खाते हो आपकी तबीयत हमेशा क्यों खराब रहती है तो मैं बता दूँ मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने सोचा कि जब बेबी हो जाएगी बेबी हो जाएगा तो होगी या होगा जो भी तो मैं आप लोगों को रिवील करूंगी कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बेबी हुई है सो so, मैंने नहीं बताया पहले किसी को भी मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी और मैं हमेशा मेडिसिन खाती थी और मेरी जो रूटीन थी वो जो भी आप लोगों ने देखा वीडियो में सो so, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप लोगों को बताते हुए कि मुझे एक बेबी गर्ल हुई है और मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान को मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मेरे लिए क्या हर मतलब जो भी मदर होती है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है वैसे तो मैं अभी तक ठीक से अडॉप्ट इस चीज़ को सोच समझ नहीं पाई हूँ कि मुझे कैसे सारी चीज़ें करना है कैसे मेनटेन करना है बट हाँ ये है कि मैं हैप्पी बहुत ज़्यादा हूँ और आप लोगों से मतलब बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ एंड सबसे ज़्यादा खुश तो इसलिए हूँ कि अभी मैं बता दूँ 11 मार्च को मेरी बेबी हुई है एंड uh, 11 मार्च में सडनली हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए डॉक्टर ने बोला एडमिट करना होगा तो सिजेरियन है मेरी बेबी सो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है एंड uh, आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ लास्ट वीडियो मुझे लगता है जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उसके दो दिन पहले मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी सो so, आज मैं फिर ये वीडियो बना रही हूँ बहुत दिन हो गया आठ दिन हो गया और कल बाबू की छठी थी छठिहार हो गया बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद छठिहार का मतलब लेकिन जनरली मुझे लगता है पता ही होगा ऑलमोस्ट कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो कल बाबू का छठी था तो सारी चीज़ें हो गई अच्छे से छठी भी सेलिब्रेशन हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची का पहला फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया है वैसे कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं डर गई थी